क्या मंगनी के बाद लड़का लड़की के लिए एक दूसरे को तोहफे तोहफे देना जायज है? ये जो वादे करके बैठ जाते हैं और उसके फसादात बहुत हैं, अक्सर मंगनियां नाकाम होती हैं, टूट जाती हैं और फिर मंगेतर आपकी कुछ भी नहीं लगती, आप उससे बिला वजह क्यों फ्री हो रहे हैं, उसको तोहफे तोहफे गिफ्ट क्यों भेज रहे हैं आप? गैर अखलाकी हरकत है। इससे नुकसान ये होगा कि निकाह तो देर से होगा और आपके दिल में उस नामहरम के लिए जज्बात पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो आपको गुनाह की तरफ ला सकते हैं। आज तोहफे जा रहे हैं, फिर फोन पर शुक्रिया भी अदा करना पड़ेगा, जाहिर है जब उसने आपको कोई गिफ्ट भेजा तो वो आप फोन पे शुक्रिया अदा करेंगे, नहीं अदा करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी, फिर जब शुक्रिया अदा करेंगे तो जाहिर है शुक्रिया बिल्कुल तजवीद के साथ और इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में लुगत के कायदों का ख्याल करके तो अदा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे आपने फोन किया भी आपका बहुत शुक्रिया आपने मुझे गिफ्ट भेजा, इतना ये भी मुआशरे में इसको बुरा समझा जाता है। शुक्रिया फिर आपका काफी तफसील से होगा और फिर वो तफसील से शुक्रिया के जवाब में भी आपको बहुत लंबे चौड़े शुक्रिया मिलेंगे, फिर वो शुक्रिया होते होते गप्पे शुरू हो जाएंगी, फिर पता नहीं क्या क्या जो कुछ हो रहा है मुआशरे में जो बेहयाई। तो आप निकाह कर लें, फिर आप जो है वो सुबह शाम गिफ्ट भेजें, आप जाएं मुलाकात करके आएं, आप शुक्रिया फेस टू फेस आप उनका शुक्रिया अदा करें जाके। अगर बिलफर्ज ये मंगनी हो भी गई है तो रिजर्व रहें, ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करें। और मैं ये बात अर्ज़ करूँ, जो मंगेतर से फ्री होते हैं अक्सर उनकी मंगनियाँ भी टूटती हैं, क्योंकि फ्री होने के दौरान कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है ज़बान से जो मंगेतर या तो दिल पे ले जाती है या उसने कोई बात ऐसी निकाल ली जो आप दिल पे ले गए, क्योंकि दोनों बड़े हसास होते हैं, एक दूसरे को परख रहे होते हैं, तो अक्सर इससे मंगनियाँ टूट भी जाती हैं। तो इस फ्री होने में ये दुनिया का भी नुकसान है।